हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली होमगार्ड एसएमएस के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जिनका एसएमएस नहीं आया है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कोर्ट का क्या फैसला है। तो आपके जवाबों के यहाँ पे जितने भी जवाब हैं आपके मैं देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनका जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के मन में थोड़ा इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, देखिए दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 में कोर्ट का क्या फैसला है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं, इसमें कई सारे सवाल हैं, वो सवाल मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। कई सारे बच्चों के सवाल हैं सर ये भर्ती 3 वर्ष की ही रहेगी क्या, 3 वर्ष की ही रहेगी क्या, यानी 3 वर्ष इसके हैं, यानी इसके बाद आपको बाहर काट दिया जाएगा क्या। इसमें बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है बच्चों। इसमें आपको फैक्ट मैं अलग बताऊंगा। यहाँ पे जो केस था, ठीक है, जो केस है कोर्ट केस है, उसमें बताया गया है कि आपको 60 वर्ष यानी कि 60 वर्ष तक ये वैकेंसी जो है करनी होगी, यानी अपनी सेवा 60 वर्ष तक देनी होगी। उसमें क्या केंद्र का फैसला था, उसमें केंद्र ने बताया था कि हम अपनी इस तरीके से इस जो रिपोर्ट है इसको कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करा देंगे कि इस तरीके से हमें क्या करना है क्या नहीं। अभी तक वो रिपोर्ट पेश नहीं की गई। दूसरा बच्चों का सवाल था सर क्या 3 वर्ष के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, क्या 3 वर्ष के बाद फिर से 3 वर्ष के बाद आपकी फिर से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि फिर से होगी ये भर्ती प्रक्रिया, यानी वही बात हो गई, पहले फिजिकल होगा, फिर रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट होगी। इस तरीके से क्या दोबारा से ये होगा, तो बिल्कुल बच्चे ये दोबारा से होगा। अगर इस तरीके की ये चीज़ें हैं तो ये दोबारा से ही होगा, और अगर आप कैपेबल हैं उसके लिए तो आप दोबारा एलिजिबल हो जाएंगे वहाँ पर। तीसरा बहुत सारे बच्चों का सवाल था सर टोटल कितने बच्चे हैं जो वहाँ पे लिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे सर 7,000 के समथिंग कुछ बच्चे हैं जो होमगार्ड हैं, जो होमगार्ड हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा। वापस ले लिया जाएगा क्या, उनको उनको कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। बच्चों मुझे ही लगता कि यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 1633 बच्चे हैं जिन्हों केस किया है, तो मेरे हिसाब से तो इन्हीं को लिया जाएगा, टोटल को ना ले जाए, क्योंकि जिन्होंने केस घेरा है उन्हीं को ऐसा लगता है कि इन्हीं को प्रॉब्लम है और इन्हीं को लेना चाहिए, क्योंकि अगर और बच्चों को प्रॉब्लम होते तो केस में आते, उनका नाम रजिस्टर्ड होता, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये 10% हो सकता है। 90% तो मेरे हिसाब से सभी को लेंगे वो, तो 90% में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि कभी भी जो कोर्ट केस होता है और केस जो जजमेंट आता है वो सभी के हक में आता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि एक के हक में आए। तो यहाँ पे हो सकता है इसमें 10% की उनके लिए आए, हो सकता है टोटल के लिए यहाँ पे आए। तो ये सारे सवाल थे बच्चों के। अब बात करता हूँ यहाँ पे जिन बच्चों का एसएमएस नहीं आया वह क्या करें। इसमें भी आपको मैं कई सारे सवाल आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर जाएँ। यहाँ पे देखिए, जिनका एसएमएस नहीं आया है, जिनका एसएमएस नहीं आया है उन्हें क्या करना है, उन्हें जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर जाना है। जाने के बाद वहाँ पे आपको ये पता करना है कि सर हमने हमारा फिजिकल जो है 24 तारीख का था या 22 तारीख का था, जो भी आपका फिजिकल था वो डेट आपको बतानी है। सर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है, हमारा एसएमएस भी नहीं आया है, एसएमएस नहीं आया है तो क्या हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। हालांकि सभी बच्चों का हो रहा है, जिन बच्चों का मैसेज नहीं आया है हो सकता है 1 या 2 दिन में आपका आ जाए। आज 21 तारीख है, मैंने आपसे कहा था 21 तारीख में आपको जाना है और वहाँ पे जाकर अपनी मेरिट लिस्ट चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, जो लिस्ट होगी वो सभी बच्चों की, एक लिस्ट तो बाहर लग जाती है और एक लिस्ट अंदर रह जाती है जिसमें सभी बच्चों के नाम होते हैं, यानी जो आने वाले समय में बुलाए जाएंगे जिनका 22 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनकी वहाँ पर मेरिट लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट को जाकर आप चेक कर सकते हैं 25 तारीख तक कि आपका उसमें नाम है या नहीं है। अगर आपका नाम नहीं है तो आपको पूछना है सर हमारा नाम क्यों नहीं है, क्योंकि सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं वहाँ पर, सभी के SMS आए हैं। अगर SMS आपका नहीं आता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो आपका नंबर वो नहीं है जो आपने लगाया है। हालांकि मैंने बताया था आपका कौन सा नंबर लग रहा है, किस नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया है, कौन सी आपकी मेल आईडी है, वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, आप कैसे उसे चेक कर सकते हैं। यदि अभी तक नहीं चेक किया आपने तो जाकर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पे इन्हें समझाना है सर हमारा ये डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारे कागज हैं, ये हमने ये चीज किया है, तो आपको वो क्लियर कर देंगे वहां पे। आपकी क्वालिफाइड लिखा होगा जो फिजिकल का आपका लेटर था, वहां पे रिटर्न एग्जाम का भी दिखाना है आपको, सर मेरा रिटर्न एग्जाम इस दिन का हुआ था और ये चीजें हैं, तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका SMS नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आपको इस दिन आना है, ये नाम है आपका, इस दिन आपको यहाँ पे आना है, वहां पे कंप्लीट आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी जिन बच्चों को मैसेज से प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है अब वो क्या करें। बहुत सारे बच्चे हैं इसमें कंफ्यूज, तो
तो यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, यहाँ जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, हो गया, उनको क्या करना है, उनको अपना आगे का स्टेप यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आपका मेडिकल। तो मेडिकल के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, कभी भी मेडिकल का आपको वो आ सकता है, तो मेडिकल आपको कर लेना है बहुत अच्छे से, अपना चेकअप वगैरह, अगर किसी के कान वान में प्रॉब्लम है तो वो चेकअप करा सकते हैं। हालांकि नॉर्मल आपकी डॉक्टरी होगी, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं और अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखें। जब तक आपका यहाँ पे आपका मेडिकल नहीं हो जाता है, मेडिकल के बाद आपको कुछ भी कर लेना है, लेकिन तब तक आपको मेंटेन रहना है। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे है कितना टाइम और लगेगा भर्ती कंप्लीट होने में। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर कितना टाइम और लग सकता है इस वैकेंसी को कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे बच्चों बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के। देखिए वैकेंसी अपने हिसाब से कंप्लीट होती है। मैंने आपको बताया था दिसंबर के लगभग लास्ट में, दिसंबर में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, मैंने आपको ये बताया था। और हो सकता है ये जनवरी में चले जाए, 90% तो दिसंबर में होगी, 10% कुछ भी हो सकता है। तो इससे सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कितनी जल्दी ये चीज़ें हो गई हैं, जिसमें आपका फिजिकल भी हो गया, आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी हो गया, आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया और बहुत जल्द आपका मेडिकल भी हो जाएगा। तो ये ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है, तो बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगी। दिसंबर मान सकते हैं आप, दिसंबर में तो आपका कंप्लीट यहाँ पे हो ही जाएगी, तो आपको ये चीज़ें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम में हैं, उन जिनका SMS नहीं आया है, ये सबसे ज़्यादा सवाल है, तो प्लीज़ जो मैंने आपको समझाया है उस चीज़ को आप कंप्लीट करिएगा। SMS नहीं आया तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। 21 तारीख आज हो गई है, 25 तारीख का लास्ट है, तो आपको इन 4 दिनों के अंदर ही अपना ये चीज़ें सारी कंप्लीट करा लेनी है। घर नहीं बैठना है कि हमारा मैसेज आएगा या नहीं आया है या हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई है, ये चीज़ सोचनी नहीं है। आपको डायरेक्टली वहाँ जाना है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, वहाँ जाकर अपनी कंप्लीट को इसको कंप्लीट करिएगा। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।